ईद आने की खुशी में हम लोग रबड़ी खा रहे गाइस। आप पे इतनी रौनक नहीं दिख रही है, कहाँ जाने की जल्दी है? नमाज पढ़ने जाना है। 8:19 गलियों में मंडराते हुए मस्जिद के पास पहुंच चुके हैं। ये अपना मोबाइल। 30 दिन खत्म हो गए पूरा रमजान। कहाँ थे इतने दिन से? मस्जिद में। मस्जिद में ही तो नहीं दिखे। कौन से मस्जिद में थे? कचेरी वाली। ये कचेरी कौन सी मस्जिद है? कचेरी वाली मस्जिद जाना तो साले। ये ऐसे अंगड़ाई मार के क्यों बैठी है मोहतरमा? ओम फो। अभी 8 मिनट बाकी है। ये जमात खड़ी होते हुए चलो रे मुस्तंडो। और ये मोइन भाई अपने लिए चप्पल पसंद करते हुए। अरे खातून हो क्या मेरी जो ऐसे मार रही हो? गुलाब जामुन जनानियों का शौक रखती हो? मैंने सोचा नहीं था जनानियों का शौक। अभी रात के 11 बज रहे हैं। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हुए थे ईद का व्लॉग बनाने के लिए, उसकी वजह से मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। कल ईद है इंशाल्लाह। बाकी चांद तो दिखाने अभी तक सब बढ़िया चल रहा था। मैं उधर ईशा की नमाज वगैरह पढ़कर आया, घर तक पहुंचा, व्हाट्सएप चेक कर रहा था। व्हाट्सएप पे मैंने अपने एक फ्रेंड का एक स्टेटस देखा। वो स्टेटस देखा तो फिर मेरी सारी खुशी ऐसे 2 सेकंड में सब फेड आउट हो गई। आई थिंक उसका जिस्ट ये था कि हो सकता है हमको इस रमजान के वक्त में कोई परेशानी ना आई हो, हमको बहुत सारी रहमतें अल्लाह ताला की दिखी हो, नेमतें बहुत सारी मिली हो अल्लाह की। बट जरूरी नहीं है यही चीज जनरली सबके साथ हुई हो। जरूरी नहीं कि कल जो ईद है सारे लोग जो है कल को वैसे एंजॉय करेंगे सेम टू सेम। वो बात मुझे बहुत हिट की। हम अपने मौज मस्ती में भूल जाते हैं कि बाकी दुनिया बहुत बड़ी है और तरह तरह के लोग वो सेम चीज नहीं फील कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स वो नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं जो हम एंजॉय कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हमारे जो छोटे छोटे परेशानियां वैसे सबकी छोटी छोटी परेशानियां होंगी, नहीं उनकी बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां भी हो सकती है। पता नहीं मैं आपको समझा पाऊंगा या नहीं, बट जब भी अल्लाह ताला हमें किसी नेमत से नवाजता है तो हमें जरूरी नहीं है कि हम सारी दुनिया को भूल के सिर्फ अपने आप में ही लग जाएं। अरे मिल गया बस अपना काम निकल गया। ऐसा मैं भी करता हूँ, मेरे साथ भी बहुत बार होता है। मुझे जब कोई चीज मिल जाती है तो मैं भूल जाता हूँ लोगों को, बट जब मुझे कोई रिमाइंड करता है तो मुझे फिर याद आ जाता है, फिर मैं उससे तौबा करता हूँ, फिर वापस से सही ट्रैक पर आने की कोशिश करता हूँ। और वही हम लोगों के साथ होना चाहिए। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, बट हमें जब कोई रिमाइंड करे उसको फॉलो करना चाहिए। कल ईद का दिन है, आप ईद इस तरीके से मत बनाए, इतना फ्लैशी मत कर दो उसको कि अगर कोई इंसान जिसको वो नेमतें नहीं मिली हैं जो आपको मिली हैं तो वो देखकर परेशान हो जाए, झुंझला उठ और उसका भरोसा उठ जाए, अल्लाह उसके रसूल आप उनके भाइयों पर से उसका भरोसा उठ जाए कि उसको तो मिल गया मुझे नहीं मिला। हमारी जिंदगी में आधी परेशानियां तो ऐसे ही आती रहती है। हम लोगों को अपनी खुशियां इतना ज्यादा दिखा देते हैं कि जो लोग परेशान रहते हैं उनकी हाय लग जाती है। मैं अपने व्लॉग्स में आपको बहुत ज्यादा हंसता हंसाता हुआ दिखता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी 24 घंटे की जिंदगी बहुत ही परफेक्ट। हम फिल्टर आउट करके आपको कंटेंट दिखा, मैं अपना रोने पीटे मातम वाली चीजें आपको दिखाऊंगा तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि क्या है यार जिंदगी भर इसका रोना पीटना ही लगा रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं जो हंसता हूं हंसाता हूं उसको देखकर आप अपने दिल में मेरे लिए बुक्स मत रखना कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, मैं बहुत खुश हूं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दे दिया हुआ है और आपको नहीं दिया हो, इससे इसके लिए आप मायूस मत होना। ऐसा नहीं है, मैं भी आप में से ही हूँ, मुझे भी आपकी तरह अल्लाह ही ने बनाया और मुझे भी सेम ऐसी परेशानी आती रहती है। हाँ बस उसका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा कभी कम, बट परेशानियां हैं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में जो आज प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर सकता, वो अल्लाह और मेरे बीच में ही रहे। मैंने भी अपने लाइफ के एक पॉइंट ऑफ टाइम चीजें शो ऑफ की होंगी, लोगों को बुरा लगा होगा, लोगों की हाय लगी होगी और वो आज जाकर मुझे लग गई, तो उसकी वजह से मेरे साथ भी बहुत सारी परेशानियां। और हाथ मिलाते हैं भैया और जिंदगी में इसे लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी मैं व्लॉग जो है कल ईद वाले दिन इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फाइनली द डे इज कम। अभी मैं जा रहा हूँ ईद की नमाज के लिए, मिलते हैं कुछ देर में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये तकबीर पढ़ना। नमाज खत्म होने के बाद हो गया। क्या भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? तकबल अल्लाह मिन्ना हो मिन्ना। हमारे अशफाक भाई नमाज के बाद काम करते हुए, इन्हीं को वोट दीजिएगा आप लोग। नमाज हमारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, टेक माय फोन, घर पे जाने का वक्त आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये गजब कर रहे हैं आप, इधर ब्लॉक कर रहे हो, इधर आप लाइट बंद कर रहे हैं। कारवां I ain't pious, I ain't righteous, I ain't one of the greats. I ain't Umar, I ain't Ali, I ain't Ahlo Bayt. So now we got that. सारा मामला खत्म हो चुका है। ये किनारे चावल वाले भाई साहब हैं। वो एकदम किनारे ही रहते हैं हमेशा। अगली गाड़ी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से अलीगढ़ के लिए। दूसरे लोकेशन की तरफ बढ़ते हुए। We are on location number 2. कहाँ आना है? सेकेंड लोकेशन पे भी मामला एकदम सेट हो चुका है। अभी यहाँ से गुजर जाने का वक्त आ चुका है, हमारे साथ जितने लोग हैं सब गुजर जाएंगे। रमजान खत्म होते ही टन 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 शुरू हो गया। लोकेशन नंबर 3।
फाइनली वी आर डन, अभी हम जा रहे हैं घर पे। आपको जल्दी क्यों है, आराम से जाएंगे ना। कहाँ गोल गोल घूम ले हो? ले 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 ले, ये कपड़ा कौन दिलाया? काम को लो बेटा, थोड़ा सा काम को लो बेटा, बैठो। अरे बाप लिप, कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो। क्या है इसको, क्या बोलते हैं बताओ? ते नहीं, ट्राइपॉड, ट्राइपॉड बोल तो लिया। हे हे, फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ। जब से मैं ईद की नमाज पढ़ा तब से मैं बाहर ही था, इधर से उधर, उधर से इधर। अभी फाइनली मैं जाकर घर पर पहुंच गया, अभी 9:30 बज रहे। अंदर बहुत गर्मी है, मैं फैन ऑफ नहीं कर रहा हूँ, तो आपको अगर आवाज आ रही होगी, नॉइस आ रही होगी, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। आज सुबह जैसे मैं मतलब फजर पढ़ा, उसके बाद फिर मैं आया अंदर, खजूर उठाया, उसको खाया, मेरा सिस्टर चीख कर बोल पड़ा, ये क्या अनर्थ हो गया। मतलब उसकी आदत नहीं थी ना, 1 महीने से रोजे में हम लोग सहरी जो है फजर के पहले करते हैं, तो अचानक से बौखला उठा कर। ये स्कीम तो तेरे लिए थी नहीं बापू। खैर धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, वो एक्सेप्ट करना सीख जाएगा। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। आप कमेंट कीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा, कुछ अदलाव बदलाव कोई चीज आप सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे, तो आप जरूर उसको लिखें और मुझे बताएं। शाउट आउट टू दिस छुटकू लाइट, इसने मेरा बड़ा हेल्प किया आज। क्या है? दी नहीं ली जाती है।